Dear Prime Minister Ji, Vanakkam. Vanakkam, Vanakkam. Ha, Arul. Apki awaaz nahi sunai de rahi. Baithna hai sabhi logo. In charge. My name is Arul Murugan, Magasakti Kendra in charge, Coimbatore, Singe Mandal. Dear Ji, I would like to ask one question, Ji. How much confident are you about performance in South India? As usual, media is underestimating BJP. Arul Murugan Ji, baithiye. मेरे लिए तो शिकायत ये होती है कि मोदी हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, तो शायद कॉन्फिडेंस से भरे स्वभाव का हिस्सा है। देखिए, मीडिया के हमारे मित्रों की एक फिक्स साइकिल है। चुनाव से पहले मीडिया के हमारे मित्र कहते हैं कि भाजपा के लिए यह चुनौती है, लेकिन हमें भी मीडिया को कोसने से ज्यादा इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष में हमारे मित्र भाजपा के बारे में बहुत कुछ फैलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा दक्षिण में कभी भी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन 2008 में हम कर्नाटक में सत्ता में आए और 2018 में भी हम सबसे बड़े पार्टी के रूप में राज्य में उभर करके आए हैं। आज हमने पिछले 5 सालों में 130 करोड़ भारतीयों के लिए समान मेहनत की है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो। हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया है और आज देश भर में ये दिख भी रहा है। और मेरा मानना है कि दक्षिण भारत में भी लोगों की विकास के प्रति चाहत उतनी ही है जितनी देश के दूसरे भाग में है। और जहां विकास के लिए आकांक्षा होगी, जाहिर सी बात है वहां भाजपा ही एकमात्र विकल्प होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1984 में जब हमारी केवल 2 सांसद जीत करके आए थे, तब उनमें से एक सांसद दक्षिण में आंध्र प्रदेश के थे, और आगामी चुनावों में अपने अच्छे प्रदर्शन को लेकर हम आश्वस्त हैं। कर्नाटक के लोग अब राज्य में चल रही अवसरवादी सरकार से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस और जेडीएस के पास शासन का जनादेश नहीं था, अब वे राज्य के कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बीच में पोर्टफोलियो को लेकर लड़ाई चलती रहती है। वहां की सरकार किसानों को परेशान कर रही है। कर्नाटक के लोग, विशेषकर वहां के किसान, 2008 से लेकर के 2013 तक के हमारे कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आज भी याद करते हैं। तमिलनाडु में हमारा एक मजबूत संगठन बन चुका है, अब तो हमारा वहां बहुत ही सशक्त गठबंधन भी बन चुका है। लिहाजा तमिलनाडु में एनडीए को व्यापक सफलता मिलना इस बार तय है, और इतिहास में सबसे बड़ी सफलता तमिलनाडु में 2019 के चुनाव में मिलने वाली है, यह मेरा पक्का विश्वास है। केरल के लोग, विशेष रूप से वहां के शिक्षित युवा, एलडीएफ और यूडीएफ से तंग आ चुके हैं। वे भाजपा को एकमात्र विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो केरल की संस्कृति की रक्षा कर सकती है। वहां समाज के कई प्रबुद्ध लोग भाजपा से जुड़े हैं। हमें तेलंगाना में भी अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों में कांग्रेस और टीडीपी को लेकर बहुत गुस्सा है। वहां जितने भी लोग हैं, एक ने राज्य को विभाजित किया और दूसरे ने इसको तबाह किया। वहां तीनों जो खिलाड़ी हैं, एक प्रकार से विकास के बारे में न सोचकर अपने अपने वंशों
के विकास के बारे में सोच रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज वहां के नेता, एक जमाने में एनटीआर जिनको कोसते थे, जिस दल को कोसते थे, उनके साथ जीने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। जिस कांग्रेस ने तेलुगु गौरव का अपमान किया, उनके पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, तो कितनी मजबूरियां होगी। और इसलिए आप विश्वास कीजिए कि साउथ में भी लोगों को ईमानदारी चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, ईमानदार दल चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए। और यही मुद्दे हैं जो आंध्र के अंदर पूरी ताकत से उभर करके आने वाले हैं। आंध्र की जनता ईमानदारी को पसंद करेगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। अपने काम पर ध्यान दें और हम पूरे देश की तरह साउथ में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे।